A figure is made up of a triangle ABD and a semicircle BOD is the diameter of the semicircle with center 0. If AB equals AD equals 5.7 centimeters, BD equals 7 centimeters, then AOC equals 8 centimeters. Find the perimeter, the area of the figure. So perimeter means we need to find this length. So this length is given to me, that is 5.7. ये length कितना होगा? 5.7. या 5.7 क्योंकि dash लगे तो dash मैंने आपसे पहले कहा था कि dash means equal length है. ये length कितना होगा? ये unknown है. या सो हमने इसको फाइंड करना है. सो वो लेंथ क्या आ जाएगा आपके पास? पाई आर. या एक्चुअली यस पाई आर. गुड. पाई आर 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू पाई आर. तो आर इज आर क्या होगा? 3.5. गुड. सो दिस इज 22 डिवाइड बाय 7 टाइम्स 3.5. 7 डिवाइड बाय 2 इज 3.5. सो 22 times 3.5 divided by 7, that's equal to 11. So this length will be equal to 11 meter hoga ya centimeter hoga? Centimeter. Centimeter, because diameter is given in centimeter. So this is centimeter. So ye bhi centimeter ho jayega. To yahan pe 11 centimeter. Ye bhi centimeter mein, ye bhi centimeter hai. Okay, ye bhi centimeter, this is centimeter, this is also centimeter. Agar ye aapko meter mein de de, to phir aapne isko centimeter mein convert karna hai, okay? इसको भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और ये आपके पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में. सो फिर आपने ऐड करना है. इस तरह नहीं करना कि ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा और ये सेंटीमीटर में होगा और आपने ऐड करना है, फिर आपका आंसर गलत आएगा. ओके, जिस तरह आपके पास, लेट्स से आपके पास 100 रुपीज होते हैं तो, और आपके पास 100 यूएस डॉलर हैं, सही है? तो इस तरह तो आप नहीं करते कि आप कहते हो कि मेरे पास 100 प्लस 100 यूएस डॉलर हैं. आपने इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स से दिस इज 1 यूएस डॉलर, तो उसके बाद आपने इसको ऐड करना है. सो यू विल से दैट 101 US dollar, you have 101 US dollar, okay? तो इसी तरह units जब same होंगे तो तब आपने add करने. तो यहाँ पे आप इनको add कर लो, you will get 22.4 centimeter, okay? So this is your perimeter. अब आ जाते हैं radius की तरफ, radius for area, area की तरफ आ जाते हैं. तो what do you think, क्या करना पड़ेगा? पहले हमने ट्रायंगल का फाइंड करना होगा हाफ बेस इन हाइट, और फिर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा. तो A1 क्या हो जाएगा? पाई आर. लास्ट टाइम आपने जो मिस्टेक किया था वो मिस्टेक आप दोबारा रिपीट कर रही हो. दिस इज पाई, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बट दिस इज सेमी सर्कल. सो एक माइनर ऑपरेशन कर दो इसका, पाई आर डिवाइडेड बाय 2. या डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी द एरिया. ओके, A1 आपके पास आ जाएगा. पाई इज 22 डिवाइड बाय 7. आर वैल्यू क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा. 3.5 इसका स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? 2 आ जाएगा. सो 3.5 स्क्वायर टाइम्स 22 कर लो, सो यू विल गेट 269.5 डिवाइड बाय 14 कर लो, सो यू विल गेट 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. या सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज A1. A2 क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ओके, व्हाट इज बेस? 8 सेंटीमीटर. 8 centimeter. Sorry. Height hai 5.7. Height is 5.7 hoga. Height or base dono 5.7. No, maine last time aapse kaha tha. Acha, ek baat to ye hai ki aapne hamesha horizontal line ko base nahi dena, okay? ये बेस आपका इस तरह भी हो सकता है, ये बेस आपका इस तरह भी हो सकता है, ये बेस आपका इस तरह भी हो सकता है. ओके, जरूरी नहीं कि ये आपका बेस ही होगा. हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आपका बेस नहीं होगा.
तो यहां पे अगर मैं देख लूं तो मेरे पास ट्राइंगल क्या है, ये मेरे पास ट्राइंगल है, 7 सेंटीमीटर, तो बेस क्या होगा? सेवन ओके, सेंटीमीटर एज यू से दैट बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगा? हाइट इज परपेंडिकुलर लाइन टू बेस, तो बेस का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर लाइन ये होगा, गॉट इट? यस तो ये कितना होगा, इसको हमने फाइंड करना है, ये कितना होगा फिर? फाइव पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय टू नो, 5.7 कब क्यों डिवाइड कर रही हो? 5.7 तो एक अलग सा लेंथ है, दैट इज ए बी एंड ए डी एंड दिस इज द मिड पॉइंट। आपको कोई और हॉरिजेंटल लाइन का वो पेरिमीटर नहीं गिवन? आपको देख लूं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये मिड है। इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि ओ इज द सेंटर या ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट ये जरूरी नहीं है कि ये इसका भी सेंटर होगा। मे बी आपका ये सर्कल कुछ इस तरह बन रहा हो, तो फिर तो ये सेंटर, ये इतना डिस्टेंस तो फिर रह जाते हैं, ये आपका 4 आ जाएगा। ओके, ये आपका 4 आ जाएगा, ये तो रह जाते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास ये गिवन है, 8 मुझे गिवन है, दिस इज 8, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये कितना है? आई नीड टू फाइंड दिस, देन आई विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सो आई विल गेट दिस। तो ये कितना है ये? ओके, व्हाट इज द रेडियस? इज इट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सेमी सर्कल? रेडियस आपका क्या होता है? दिस इज योर रेडियस, ओके, ये आपका यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक आपका रेडियस है, तो रेडियस कितना है? दैट इज 4, 3.5, राइट? यस तो ये भी 3.5 होगा, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज आल्सो 3.5, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल 3.5, दिस इज 3.5, तो ये भी आपका 3.5 होगा, ओके, यहां से लेके यहां तक 3.5, दिस इज रेडियस, ओके, गॉट इट? यस सो दिस इज 3.5 एंड टोटल इज 8, तो ये क्या हो जाएगा अब? ये ब्राउन, ये क्या हो थ्री जाएगा? पॉइंट फाइव 3.5 होगा, माइनस एट या 8 माइनस 3.5, सो ये आपका हो जाएगा 4.5, सो दिस विल बी 4.5, ओके, सो दैट्स इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो ए वन इज, दिस इज योर ए वन एंड दिस इज योर ए टू, तो क्या करना होगा अब? क्या करना है टोटल एरिया के लिए, क्या करना होगा? प्लस करेंगे प्लस करेंगे, सो इसके साथ आप प्लस कर लो 19.25, सो दैट्स इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द एरिया ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर।